हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनीषा। तो दोस्तों, हरियाली अमोशा पर तीन राज्यों राशि के अनुसार पौधे लगाने से पितृ होंगे प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, हरियाली अमोशा के दिन पौधे लगाने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। सावन अमोशा को हरियाली अमोशा कहते हैं। तो दोस्तों, इस साल हरियाली अमोशा 28 जुलाई को है। इस दिन तीन राजयोग बने हैं। इस अवसर पर राशि के अनुसार पौधे लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते दोस्तों, ऐसे कौन से पौधे हैं जिसे लगाने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपको हर मनोकामना पूरी होने की संभावना बनती है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, सावन अमोशा या श्रावण अमोशा को हरियाली अमोशा के नाम से जानते हैं। इस साल हरियाली अमोशा 28 जुलाई दिन गुरुवार को है। इस वर्ष सावन अमोशा तिथि 27 जुलाई को रात 9:11 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 28 जुलाई को रात 11:28 पर होगा। तो दोस्तों, हरियाली अमोशा के दिन तीन राजयोग का निर्माण हो रहा है। शनि ग्रह से शेष राजयोग, मंगल ग्रह से रुचक राजयोग और बृहस्पति ग्रह से हंस राजयोग बन रहा है। इस दिन बनने वाला गुरु पुष्प योग कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, हरियाली अमोशा के दिन स्नान और दान के बाद पौधे लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि पेड़ पौधे को भी पितृ स्वरूप ही माना गया है। यदि आप हरियाली अमोशा पर अपनी राशि के अनुसार कुछ पौधे लगाते हैं तो इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और ग्रह दोष से दूर हो जाते हैं। इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं और पितर सुखी समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों, हरियाली अमोशा पर राशि के अनुसार लगाए जाने वाले पौधे के बारे में। तो दोस्तों, पहली राशि आती है दोस्तों मेष राशि। इस राशि के जातकों को हरियाली अमोशा के दिन आंवले का पौधा लगाना चाहिए, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अवश्य लगाए। वृषभ राशि के लोगों को हरियाली अमोशा के दिन जामुन का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितर आप पर प्रसन्न रहेंगे, उनकी कृपा सदैव आप पर रहेगी। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। तो दोस्तों, मिथुन राशि ग्रह दोष को दूर करने और पितृ दोष से मुक्ति के लिए मिथुन राशि वालों को पौधा यानी कि चंपा का पौधा लगाना चाहिए। इससे दोस्तों इनके पितर प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। कर्क राशि, आपकी राशि के जातकों को पीपल का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, पीपल के पौधे में देव का वास होता है, आपको सभी देव का आशीष प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस पौधे को आप मंदिर में लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, अवश्य आप घर से बाहर पीपल का पौधा अवश्य लगाएं, इससे आपके ऊपर सभी देवी देवता का वास होता है इस पीपल के वृक्ष में। तो दोस्तों, इन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और पितर का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, अवश्य लगाए। तो दोस्तों, सिंह राशि के लोगों को हरियाली अमोशा के दिन बरगद या अशोक का पौधा लगाना चाहिए, इससे आपको पुण्य लाभ होगा, ग्रह दोष भी दूर होंगे। तो दोस्तों, अवश्य करें। कन्या राशि, हरियाली अमोशा के दिन आप बेल का पौधा लगाएं। दोस्तों, ये शिवजी को अत्यंत प्रिय है, इसके अलावा आप जूही का भी पौधा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पौधे लगाने से आपके ऊपर महादेव के साथ पितर प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, अवश्य लगाए। तुला राशि, दोस्तों इस राशि के जातकों को हरियाली अमोशा के अवसर पर अर्जुन या नाग केसर का पौधा लगाना चाहिए, इनके लिए ये बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि, हरियाली अमोशा पर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस राशि के लोगों को नीम का पौधा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इनके लिए ये शुभ फल देता है। दोस्तों, धनुराशि के जातकों को कनेर का पौधा लगाना चाहिए। यदि आपके ग्रह दोष पूर्ण है तो वह ठीक हो जाएंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अवश्य लगाए। मकर राशि, आपकी राशि के लोगों को शमि का पौधा लगाना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि देव है और सावन शिव जी को प्रिय है,
शिव जी को भी शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। तो दोस्तों अवश्य लगाएं, इससे शिव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और शनि भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों इस तरह पितर भी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों इस राशि के जातकों को ये पौधे अवश्य लगाने चाहिए। तो दोस्तों कुंभ राशि, आपकी राशि स्वामी शनिदेव है, आपको हरियाली अमावस्या पर कदम या आम का पौधा लगाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों मीन राशि, हरियाली अमावस्या के दिन मीन राशि वाले को बेर का पौधा लगाना चाहिए। इस राशि के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति है। तो दोस्तों इनके लिए ये शुभ फल अवश्य देते हैं। तो दोस्तों अवश्य लगाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों हरियाली अमावस्या से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पितरों की शांति के लिए हरियाली अमावस्या पर गरीबों को वस्त्र और अन्न दान करें। यदि आप राशि के अतिरिक्त अन्य पौधे लगाना चाहते हैं तो आप पीपल, बड़, आंवला और नीम का पौधा अवश्य लगाएं। तो दोस्तों इस तरह आप राशि के अनुसार दोस्तों पौधा लगाते हैं तो दोस्तों आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, यानी कि पितृ दोष से आपसे मुक्ति मिलेगी और भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों ये पौधे अवश्य लगाएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।